हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल चलिए आज साथ साथ सॉल्व करते हैं क्लास फोर्थ का आईओ का पेपर सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन वन माय मदर ब्लैंक अ पीस ऑफ ज्वेलरी एवरी ईयर यहाँ पे कुछ बच्चे बॉट लिखते हैं कि माय मदर बॉट ए पीस ऑफ ज्वेलरी एवरी ईयर तो बॉट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है बॉट जो है पास्ट टेंस है और वो एक ऐसा एक्शन है जो कि वंस इन द पास अकर हो चुका है एंड इज नो लॉन्गर हैपनिंग बट माई मदर बाईज अ पीस ऑफ ज्वेलरी एवरी ईयर मदर मतलब ये प्रेजेंट टेंस है ये हर साल ये चीज रेगुलरली याबीचुअली हो रही है सो वी आर यूजिंग हयर बाइज अ पीस ऑफ ज्वेलरी एवरी ईयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन टू कैसी हैज ने ब्लैंक वॉम्बेड बिफोर यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा वो हो जाएगा अ वॉम्बेड बिफोर एक तो वॉम्बेड कोई ऐसी स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पर एंड दूसरी बात जो डब्लू है उसमें से वॉवेल की साउंड नहीं आ रही है दैट्स अ कॉन्सनेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज अ वॉम्बेड बिफोर क्वेश्चन थ्री माई पेट डॉग वेज बिटवीन एट ब्लैंक टेन किलोग्राम्स यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज एंड ओके एट एंड टेन किलोग्राम्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं एंड क्योंकि एंड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एक रेंज बिटवीन टू नंबर्स और टू अमाउंट्स दैट इज एट एन टेन किलोग्राम्स क्वेश्चन फोर सोमिया फेल्ट वेरी बैड व्हेन हर कोलीग्स मेड अ ब्लैंक ऑफ हर पेट्स नेम यहाँ पर मिमिक और मॉकरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिमिक का मतलब होता है कि किसी का एक्शन या वर्ड्स का नकल करना और मॉकरी का मतलब हो गया कि किसी को मजाक उड़ाना ठीक है तो यहाँ पर सोमिया के पेट्स का नेम का मजाक उड़ाया जा रहा है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मॉकरी क्वेश्चन फाइव एवरी वन इन माई क्लास ब्लैंक अ कंप्यूटर एट होम यहाँ पर एवरी वन जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है ठीक है तो इवन दो हम लोग पूरे क्लास को रिफर कर रहे हैं फिर भी एवरी वन स्टैंड फॉर सिंगुलर ठीक है सो वी विल यूज़ द फॉर्म हैज़ क्ट ऑप्शन ए हैज क्वेश्चन सिक्स शमिता लंबे बच्चों को क्लासरूम में अक्सर पीछे वाली बेंच पे बिठाया जाता है दट इज बिहाइंड ओके शमिता बिहाइंड मी इन क्लास एट शी इज टॉलर धैन मी ऑप्शन डी क्वेश्चन सेवन देर आर थ्री ट्रॉफीज ऑन द शेल्फ द ब्लैंक ट्रॉफी इज माइन जब हम किसी चीज की पोजीशन इन सीक्वेंस में मेंशन करते हैं तो हम उसमें ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड, थर्ड ठीक है तो यहाँ पर तीन ट्रॉफीज रखी हुई हैं दैट इज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो हम बोलेंगे द सेकंड ट्रॉफी इज माइन ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन एट एंड नाइन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड क्वेश्चन एट रैबिट्स नॉर्मली हैव वाइट फर इस सेंटेंस में नॉर्मली को अंडरलाइन किया गया है अब आपको बताना है कि ये दिए गए ऑप्शन में से क्या है एडवर्ब्स जो होते हैं दे डिस्क्राइब द फ्रिक्वेंसी और टिपिकल नेचर ऑफ द एक्शन ऑफ समथिंग ठीक है तो यहाँ पर रैबिट्स की एक टिपिकल uh, जो नेचर है हैविंग वाइट फर ठीक है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है दैट इज़ वाई नॉर्मली इज एडवर्ब ऑप्शन डी क्वेश्चन नाइन सक्सेस और फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ एनी टास्क यहाँ जो वर्ड अंडरलाइन है वो है और यहाँ पे जो वर्ड है और दैट इज अ कंजंक्शन क्यों है ये कंजंक्शन बिकॉज टू पॉसिबल आउटकम्स दैट इज सक्सेस और फेलियर दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है फॉर क्वेश्चन टेन एंड इलेवन चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एर क्वेश्चन टेन वेन डिड यू बॉड दिस रिमोट कंट्रोल कार यहाँ पे जो वर्ड बॉट यूज किया गया है वेन डिड यू बॉट तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है डिड दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब शुड बी यूज ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा वेन डिड यू बाय दिस रिमोट कंट्रोल कार यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यू बॉट दिस क्वेश्चन इलेवन दे लाइक टू डू एवरी थिंग बाई थेम सेल्फ यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है थेम सेल्फ की स्पेलिंग गलत है ठीक है स्पेलिंग शुड बी टी एच ई एम एस वी एस सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाई फॉर क्वेश्चन ट्वेल्व एंड थर्टीन चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज डेमोक्रेसी उसकी करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन सी में ई एम ओ डेमो सी आर ए सी वाई क्रेसी डेमोक्रेसी क्वेश्चन थर्टीन यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है दैट इज लोको मोटिव एल ओ सी ओ लोको E लोकोमोटिव ठीक है ऑप्शन डी में करेक्ट स्पेलिंग है क्वेश्चन फोरटीन चूज द सिनोनिम ऑफ क्राफ्टी क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक आप सबने वो कहानी सुनी होगी द क्लेवर फॉक्स ठीक है तो क्लेवर फॉक्स भी कह सकते हैं कनिंग भी कह सकते हैं क्राफ्टी भी कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो सिनोनिम सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग ठीक है तो सिनोनिम ऑफ क्राफ्टी यर इज़ ऑप्शन बी फ्लेवर क्वेश्चन 15, चूज द एंटनिम ऑफ डिज़ास्टर यहाँ पे हमें डिज़ास्टर का एंटेनिम यानी ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है तो डिज़ास्टर का मतलब होता है एक्सीडेंट कह सकते हैं हम मतलब कुछ आपदा आ गई ठीक है तो डिज़ास्टर का ऑपोजिट हो जाएगा मेराकल कुछ चमत्कार कुछ अच्छा होना ठीक है ऑप्शन सी मेराकल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चनो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज केयरफुल लाइन बाई लाइन पढ़ लो एंड धैन क्वेश्चन से ट्वेंटी तक का जो क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पर ही उसके आंसर आपको देने होंगे क्वेश्चन सिक्सटीन चूज अबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज करेक्ट ऑप्शन इज ए डॉल्फिन्स द मेजेस्टिक क्रिएटर्स Question 17. What makes dolphins likable among humans? Correct option is B. Their friendly attitude towards humans. Question 18. Choose the statement which is correct. Correct option is D. Each pod of dolphins has different characteristics and features unique to that particular pod. Question 19. How do dolphins hunt to satisfy their hunger?

ये सेकेंड पैसेज है यहाँ पर अगेन आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन इसको केयरफुली पढ़ लेंगे एंड देन फाइव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव जिसे आपको इस पैसेज के अनुसार आंसर करना है क्वेश्चन ट्वेंटी वन चूज ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज करेक्ट आंसर इज बी ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट क्वेश्चन ट्वेंटी टू वाई डिड द ब्लाइंड मैन आस्क द एलिफेंट हैंडलर टू स्टॉप Correct answer is A, because they wanted to see, that is, feel the elephant. Question 23, choose the statement which is incorrect. Correct option C, the second blind man said that the elephant was like a snake. Question 24, according to the passage, the fifth man touched the elephant's ears and said that he was exactly like a blank. Correct option is D, huge fan. Question 25 According to the passage the fourth blind man grasped the elephant's plank Correct answer is C leg For questions 26 to 30 choose the most suitable option to complete each conversation Question 26 Father where are my car keys son i have blank idea sorry बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट है आई हैव नो आइडिया ऑप्शन डी नो क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन नीतू प्रिया अ लॉट ऑफ न्यू ड्रेसिस दिव्या शी मस्ट हैव ब्लैंक अ जैक पॉट एक फ्रेज है टू हिट अ जैक पॉट जिसका मतलब होता है सडनली कुछ बड़ा कुछ वैल्यूएबल हासिल कर लेना तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी मस्ट हैव हिट अ जैकपॉट ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी एट मोनिका कैन यू गिव मी ब्लैंक आइज फॉर माई जूस यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज़ सम आइस फॉर माई जूस तो यहाँ पर हम सम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइस क्यूब्स बट इतने होने चाहिए कि हमारी नीड जो है जूस में पूरी होने की वो फुलफिल हो जाए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन सैमी डेड यू ब्लैंक एट टू द फाइनल्स यहाँ पे बच्चे अक्सर मेक और मेड में कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे देखो डिड जो पास टेंस है वो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है तो हम अगेन मेड जो है उसको यूज नहीं करेंगे वी विल यूज मेक ठीक है डिड यू मेक इट टू द फाइनल्स ये करेक्ट सेंटेंस होगा क्योंकि जब डिड एक क्वेश्चन में यूज किया गया है तो उसके साथ जो हम प्रेजेंट टेंस वर्ब यूज करेंगे जो कि होगा मेक एंड वी विल नॉट यूज द पास्ट टेंस मेड ठीक है अंडरस्टूड क्वेश्चन थर्टी रिया फ्रॉम नाउ ब्लैंक आई विल ओनली ईट हेल्दी फूड काव्या दैट्स अ ग्रेट स्टेप करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑन फॉर क्वेश्चन थर्टी वन एंड थर्टी टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन थर्टी वन माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ ब्लैंक आफ्टर शी हैड फॉलन फ्रॉम स्टेयर्स एट होम यहाँ पे देखो ऑप्शन ए डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाना ऑप्शन बी डीकम्पोज का मतलब हो जाता है सिंपली समझ लो सड़ जाना ठीक है ऑप्शन डी डेप्रीशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू ओवर द टाइम कम हो जाना ठीक है तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है बिकॉज़ ये हेल्थ से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो सही वर्ड फ़िट हो रहा है दैट इज़ डेटीरियोरेटेड ठीक है यानी बिगड़ना और ख़राब हो जाना तो ग्रैंड की हेल्थ जो है और बिगड़ रही है my grandmother's health deteriorated means something that has become worse in condition over the time option c deteriorated is the correct answer here question 32 we blank hear about robbery incidents in this area it's not safe correct answer is option b we often hear question 33 choose the part of the sentence that has an error वन शुड नॉट अबेंडेंट अ पेट वेन वन लूजिस इंटरेस्ट इन इट यहाँ पे देखो ये जो लूजेस दिया गया है लूजिस इंटरेस्ट दैट इज इन करेक्ट एक्चुअल वर्ड शुड भी लूजिस एल डबल ओ एस सी एस का मतलब होता है किसी चीज़ को फ्री कर देना एंड एल ओ एस सी एस का मतलब होता है किसी चीज़ का नहीं होना ठीक है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन थर्टी फोर चूज द करेक्ट सिनोनेम ऑफ डिफाइल डिफाइल का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनकलीन और इमप्योर तो यहाँ पे जो सिनोनिम करेक्ट बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करप्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्पलीट द कॉन्वर्जेशन टीचर यू हैव डन वेल इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट थैंक्स सो माई पेरेंट्स एडवाइज मी टू ब्लैंक अप द गुड वर्क करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कीप